एक बार फिर से नमस्कार, सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन सेशन में। थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि जो टॉपिक आज मुझे दिया गया है, इस टॉपिक पे मुझे बोलना है, थोड़ा अभ्यास भी कराना है, थोड़ी प्रैक्टिस भी करवानी है। तो उस टॉपिक के बारे में थोड़ी बात करूंगा, जैसे कि नशा मुक्त भारत का ये अभियान है भारत सरकार का, और इसमें मुझे इस काबिल समझा कि मैं इसमें अपना एक कोई योगदान दे सकूं। तो पहले ये समझें कि नशे की लत जो है, नशे की जो आदत है, हम पकड़ते कहाँ से हैं, कहाँ से आती है। दूसरा, उससे भी पहले अगर समझना हो कि नशा है क्या, तो जब तक नशे को ठीक से समझेंगे नहीं, ठीक से नशे के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक इसको दूर कैसे करें, उसके उपाय खोजना थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे जो विशेष लगता है कि पहले ये समझे कि नशा किस बात का, किस चीज को लेकर हमें लगता है कि नशा है। तो पहले तो किसी भी चीज की आदत का होना जिसके बिना हम रह ना सके, वो कोई भी आदत हो सकती है, वो नशा है, जितना मुझे समझ है। जैसे आई कॉल इट 207वीं हड्डी, ये नशा है, इसके बिना हम रह नहीं सकते। इसके बिना नहीं रह सकते तो ये क्या होगी, हमारी हैबिट होगी, हमें इसका नशा हो गया। ऐसे ही किसी और चीज की आदत, फॉर एग्जाम्पल, बड़ा सिंपल सबको पता लगेगा कि खाना खाना एक नशा है, खाना खाए बगैर नींद नहीं आती, तो वो भी एक नशा है। किसी काम को इस तरह से करने लग जाना कि उसके बिना रहा ना जा सके, शरीर बेचैन होने लगे, मन परेशान होने लगे, मन से प्रभाव हमारे स्टॉप लॉक पे आए, दिमाग पे आए, और पूरी बॉडी हमारी वाइब्रेट करने लगे, तो वो किसी भी चीज के बिना जब हम रह नहीं पाते, तो मुझे लगता है कि वो जो रूप धारण करते हैं वो नशे का रूप है, उसे हम नशा कहते हैं। उसके बाद फर्दर अगर थोड़ा सा और हम आगे बात करें तो नशा किस तरह से हमें पकड़ता है, नुकसान क्या है नशे के, तो स्पेशली मैं फोकस करूं ड्रग एडिक्शन पे, क्योंकि नशे का नाम लेते ही ना ऐसे ड्रग एडिक्शन आता है, ड्रग्स का नशा। तो जैसे हमने बात की, नशा तो किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन जो नशा हमारी इस सेहत को, इस पंच महाभूतों की काया को खंडित करे, इसे डिस्टर्ब करे, इसके अंदर बीमारी पैदा करे, वो नशा हमारे लिए नुकसानदायक है। चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो खाना है, चाहे वो कोई और मेडिसिन है, या कोई और किसी तरह का ड्रग्स है, कोई भी। तो जो हमारे उस आदत के कारण बॉडी में और मन में परेशानी आए, और वो परेशानी हमारे जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं तो परिवार के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करें, जिस एनवायरमेंट में जा रहे हैं उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करें, कहीं ग्रोथ प्रोग्रेस है उसमें बाधा लेके आए, तो मुझे लगता है कि वो नशा है। और वो नशा जो हमारे शरीर को तंग करे, परेशान करे, उसको हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं जीवन से, उस तरह से किस तरह से उस नशे में से बाहर आ सकते हैं, और योग इसमें हमारी कैसे हेल्प कर सकता है, उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे और थोड़ा उसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो पहले तो नशा ये समझ लेना है, जिसको भी ये हो, कि नशा हम क्यों करते हैं, क्या ऐसे हमारे अंदर खलबली मचती है, क्या हमारे अंदर ऐसा कोई एक भौचाल सा आता है कि हमें लगता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये मुझे ये खाना है, ये मुझे ये पीना है, ये मुझे ये सूंघना है। क्या चीज हमारे अंदर ऐसी ललक पैदा करती है, ऐसा खिंचाव हमारे अंदर खींचता है, जिससे हमें लगे कि मुझे ये चीज खानी है, या मुझे पीनी है, या सूंघनी है। तो ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले वो दो तरीके से इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और दोनों तरीकों को फिर हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे।
शरीर में नशा गया। जैसे जैसे शरीर को आदत हुई एक चीज खाने की, फॉर एग्जाम्पल गुड़ खाने की आदत हो गई, मीठा खाने की आदत हो गई, और जैसे जैसे ही शाम को मीठा खाना खाया, खाने के बाद वो गुड़ का पीस चाहिए, शुगर चाहिए, तो वो गुड़ जब खाएंगे तो हमारे लगेगा बड़ा आराम। लेकिन जिस दिन गुड़ नहीं मिला उस दिन क्या करेंगे? उस दिन हमें लगेगा गुड़ नहीं। तो अगर हमें नॉर्मली नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अगर लेकिन हमारे मन में ये आया कि गुड़ नहीं मिला तो मेरे को तो नींद ही नहीं आएगी, जैसे कहीं को लगता है मैं शाम को दूध नहीं पीता तो मेरे को नींद नहीं आती और बेचैन रहते हैं पूरी रात। तो इसी तरह से कोई चीज ना लेने से शरीर में, शरीर बेचैन हो और उसका प्रभाव मन पे जाए तो वो नशा। और कोई ड्रग्स अगर ले रहे हैं उसका प्रभाव शरीर में इस तरह से जा रहा है, दूध गुड़ तो फिर भी हेल्थी हो गए, कोई इस तरह का नशा ले रहे हैं कि सांस की प्रॉब्लम बढ़ रही है और उस ड्रग्स की एडिक्शन के कारण फिर हम क्या करते हैं, जैसे वो ड्रग्स मान लो जो ले रहे हैं महंगा है तो नहीं इनकम भी नहीं हो रही, पहली बात तो सेहत तो खराब हो ही रही है, लेकिन हम चोरी करना सीख लेते हैं, पैसे इधर उधर से डकैती करना सीख लेते हैं, क्योंकि जितने चोरियां और डकैतियां हो रही हैं वो ज्यादातर नशेड़ी जो लोग हैं जो नशा के इतने एडिक्शन हो चुके हैं उनके शरीर को वो करते हैं। तो शरीर और मन दोनों एक साथ जुड़ जाए, दोनों का प्रभाव शरीर पे पड़ेगा और मन दोनों पे पड़ेगा तो सेहत हमारी खराब होती जाएगी। दूसरा, ये तो शरीर की लत से मन पे गया, अब मन से शरीर पे, मन में कोई विचार उठता है, कोई विकार उठता है और वो हमें इस पूरी बॉडी को ऐसे वाइब्रेट करने के लिए मजबूर कर देता है, ला देता है। तो उस लत से हम कैसे बाहर आए? अब वो जो थ्रम्बिंग करेगा, वो जो कंपन पैदा करेगा विचार, वो क्या होगी, यहाँ से पूरे नर्वस सिस्टम से पूरी बॉडी को कंपित कर देगा, वाइब्रेट करेगा। तो वो जो वाइब्रेशन हमारे शरीर में होगी, वो जो कंपन हमारे शरीर में होगी, वो क्या करेगी, बॉडी के अंदर डिजीज पैदा करेगी, कॉन्ट्रैक्शन पैदा करेगी, और वो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हमारी जो लाइफ स्मूथली हैप्पीली आनंद वाला जीवन जो है हम नहीं जी पाएंगे। आनंद वाला जीवन अगर हम नहीं जिएंगे तो जीवन का क्या करेंगे, तो फिर कैसे ख्याल आएंगे, सुसाइडल टेंडेंसीज आएंगी कि अब मर जाना बेकार है मेरा, तो अगर ये चीज मुझे नहीं मिली तो मुझे मर जाना बेकार है। तो इसमें योग कैसे हमारी हेल्प करे, इसकी थोड़ी हम बात करते हैं। योग में कुछ क्रियाएं हैं, कुछ आसन हैं, कुछ प्राणायाम हैं, वो अगर नियमित रूप से आप करते रहे तो शरीर कहीं ना कहीं संतुलित हो जाता है। अगर मन से जुड़ के करें और श्वास की गति के साथ तालमेल बना के करें तो उसका प्रभाव और गहरा पड़ता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे मन को हम अंदर की तरफ मोड़ना शुरू करते हैं तो कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स प्राणायाम वो हमारी हेल्प करते हैं। इसके बाद भी अगर हमें लगता है कि ड्रग हमारे जीवन से नहीं निकल रहा, नशा नहीं निकल रहा, तो कुछ ध्यान की विधियां, कुछ थेरेपीज ऐसी हैं जो कि हम अपने पे लागू करें या किसी की गाइडेंस में करें तो वो हमें बाहर निकालने में हेल्प करती है। तो सबसे पहले समझे कि हमारी श्वास, अभी सिर्फ श्वास को देखें 1 मिनट के लिए, चाहे को नशा करता है चाहे नहीं करता, जो भी जुड़े हैं जो देख रहे हैं वो अपनी श्वास को देखने का प्रयास करें। श्वास आ रही है, श्वास बाहर जा रही है, श्वास भीतर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है, श्वास भीतर आई, श्वास बाहर गई। किसी की श्वास गहरी भी हो सकती है, श्वास का आना जाना, इसका आभास, बहुत आराम से श्वास भीतर आई, धीरे धीरे श्वास बाहर गई। इसको जैसे जैसे श्वास को हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, श्वास को फील करेंगे तो देखेंगे श्वास की गति बदल रही है। जैसे गुस्सा आया, अग्रेशन आया, जैसे कोई नशा नहीं मिला, कोई और इमोशन उठा, तो क्या होगा, श्वास तेज होगी। जैसे कोई विचार आया कि मुझे शाम को पता नहीं खाना मिलेगा कि नहीं, मुझे ये ड्रग्स पता नहीं पर्टिकुलर उस टाइम पे मिलेगा कि नहीं, तो अगर नहीं मिलता तो सबसे पहले श्वास पे प्रभाव आएगा। तो हमने क्या करना है, जो करते हैं उनके लिए भी ये सुझाव है, और जो नहीं एडिक्शन में नहीं गए उनके लिए भी सुझाव है कि श्वास पर ध्यान दें, श्वास को देखें, ऑब्जर्व करें, जहां श्वास तेज हो उसके लिए क्या करना है, रोज गहरी श्वास का अभ्यास करना है। गहरी श्वास का अभ्यास जैसे जैसे हम करेंगे तो
श्वास की गहराई क्या करेगी, हमारे माइंड को थोड़ा काम करेगी, बॉडी को एनर्जी देगी, ऑक्सीजन की मात्रा शरीर के अंदर पूरी जाएगी। और जैसे जैसे ऑक्सीजन पूरी जाएगी, शरीर को ऊर्जा मिलेगी। तो जो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा जो एनर्जी जो उठती है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, एनर्जी जनरेट होती है, उसको किस तरह से हमने ठीक डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म करना है, नशे की आदत से कैसे वो बाहर लेके आएगी। क्योंकि तो जैसे श्वास गहरी करेंगे, कुछ श्वास गहरी करके देखें, श्वास भीतर जाए पेट हल्का सा बाहर, श्वास बाहर आई पेट अंदर। विद इनहेलेशन यू विल फील एक्सपेंशन इन द अबडामन इन द लंग्स, एंड विद एक्सहेलेशन कंट्रैक्शन इन द अबडामन कंट्रैक्शन इन द लंग्स, यू जस्ट फील इट। दो बार और श्वास की गहराई, इस तरह से श्वास की गहराई को निरंतर हम करें, रोज हम करें, तो ये हमारी हेल्प करेगी श्वास मेंटल पीस को बरकरार रखने में, शरीर में मन में उथल पुथल है उसको शांत करने में। ये तो एक तरीका हुआ। अब कुछ लोग होंगे, मेरे दोस्त होंगे, मेरे मित्र होंगे, भाई बंधु ऐसे होंगे, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, वो उनके अंदर जब गुस्सा आएगा, जब नशे की वो चीज तंग करेगी, बॉडी अंदर बॉडी की डिजायर बहुत तेज हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी बॉडी के अंदर, है ना, कि साड़ियां मंगा पूरिया करो, जेड़े ना वो कहते हैं ना दारू वाले कीड़े जाग जाते हैं, तो कहते साड़ियां मंगा पूरिया करो, मकर सिंह मुर्दाबाद, वो कमेंट सुनी होगी। तो वो जब इतनी ज्यादा अंदर हमारे एक जुनून सा लगता है कि कुछ चाहिए कुछ चाहिए, उस टाइम पे कौन सी थेरेपी, कौन सी एनर्जी, किस तरह से अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करें, तो क्या करना है। ब्रीदिंग का ही एक प्रोसेस है जिसे हम योग की भाषा में भस्त्रिका प्राणायाम के नाम से जानते हैं। उसकी बहुत सारी वेरिएशन है, एक वेरिएशन मैं यहाँ कराना चाहूंगा। हमने क्या करना है, ऐसे हाथ रखने हैं, इनकी मुट्ठी को बंद कर लेना है, ठीक है। अंगूठा अंदर करना चाहो अंदर कर लो, नहीं तो बाहर रखना चाहिए, ऐसे अंगूठा अंदर कर सकते हैं ऐसे, और हाथ ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे, इसे श्वास के साथ करना है। इसे तेज करना है, ठीक है। तो तेज करते करते बॉडी हिलेगी, मूवमेंट करेगी, श्वास का आना श्वास का बाहर जाना दोनों तेज हो। जैसे तेज कैसे करेंगे, मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं और किसी की गाइडेंस में से बाद में भी कर सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट इसका अभ्यास करना है। अभी मैं सिर्फ 1 मिनट करके दिखाऊंगा घड़ी के टाइम पे, ठीक है। तो इसको शुरू करें, अंगूठे अंदर कर लें और उसके बाद जैसे जैसे बोलूं फॉलो करने का प्रयास करना। तो 1 मिनट के लिए हम भस्त्रिका प्राणायाम, लेकिन पूरी फोर्स डायनामिक फोर्स के साथ करना है। रिलैक्स, गहरी श्वास, अंगूठा बाहर कर दें, श्वास को भीतर भरें, इनहेल करें, हल्का सा श्वास को रोक दें, 1-2 सेकंड श्वास रोकें बस, फिर धीरे धीरे श्वास बाहर आने दें, फिर श्वास भीतर जाने दें, धीरे धीरे श्वास बाहर, फिर श्वास भीतर, धीरे धीरे श्वास बाहर, धीरे धीरे श्वास भीतर, धीरे धीरे श्वास बाहर। श्वास की गहराई 2 बार और अपने आप, श्वास रोके नहीं अब, सिर्फ श्वास लें और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें।
रिलैक्स करें। बेसिकली बात जो है समझने वाली कि हमारे अंदर कोई एनर्जी ऐसी उठती है, प्रकृति ने हमें बहुत ऊर्जा दी है अंदर को, उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है हमने, उसको ठीक डायरेक्शन देनी है। अब यही एक्सरसाइज बॉडी को हीट भी क्रिएट करेगी, बॉडी के अंदर शरीर को स्वस्थ, बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी एनर्जी को हम किसी डिस्ट्रॉयर कोई चीज में, किसी चीज का विनाश करने में लगा दें, तो इसको 3-4 मिनट अगर हम लगातार, खासतौर पे जो ड्रग्स के एडिक्शन है, वो 3-4 मिनट लगातार रोज अभ्यास करें, धीरे धीरे टाइम बढ़ाते बढ़ाते 5-10 मिनट तक करें, तो जो एनर्जी हमारे अंदर जो उठती है और तंग करती है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी शरीर की एक्सरसाइज के रूप में। और क्योंकि श्वास के साथ करेंगे, तो श्वास बिना मन को यहाँ लाए बगैर तो कर नहीं सकते, श्वास यहाँ आएगा, पर श्वास जब यहाँ चल रहा होगा और श्वास के प्रति मन जागृत होगा, अवेयर होगा, तभी हम इस क्रिया को कर पाएंगे। अब बिना मन के तो मैं ऐसे कहूँ कि हाथ हिला लूंगा और सांस को इनहेल एक्सहेल करूंगा तो पॉसिबल नहीं है ना, तो उस 3-4 मिनट तो कम से कम मन मेरा मेरे अंदर रहेगा। दूसरी प्रक्रिया, तो ये श्वास के साथ जुड़ने का जो अभ्यास है, ये डायनामिक भस्त्रिका प्राणायाम, और ध्यान के पहले इसको अगर करते हैं तो ये बहुत लाभकारी है। इसके बाद थोड़ी देर श्वास को गहरा करके बैठ जाएं, श्वास को धीरे धीरे गहरा चलने दें, वैसे ही पेट फूलने दें, धीरे धीरे पेट अंदर फिर पेट बाहर, श्वास नाक से लेकर नाभि तक, ये अभ्यास थोड़े दिन किसी की गाइडेंस में कर ले तो और भी अच्छी बात, अपने आप जो कर सकते हैं। और इसका निरंतर अभ्यास करें अगर हम, तो मुझे लगता है जितना मेरा अनुभव रहा है थोड़ा बहुत, कि कोई बच्चा नशे की आदत पकड़ेगा ही नहीं। और जब हम नशे की आदत पकड़ेंगे ही नहीं, चाहे ये मोबाइल की ही है, इसकी आदत अगर हमें है, इसको थोड़ी देर छोड़ के देखें। आजकल के बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर उनसे बात कर लें कि क्या कर रहे हो, बोर हो रहे हैं, क्यों इंटरनेट नहीं चल रहा, मतलब इंटरनेट के मतलब बोर हो जाएंगे ना, तो थोड़ा सा देखें हमारी साइकोलॉजी, हमारा जो लाइफ का रूटीन है किस तरफ जा रहा है। धीरे धीरे बच्चे को एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ना होने की वजह फिजिकल एक्टिविटी खत्म होती जा रही, तो फिजिकल एक्टिविटी करते हुए, फिजिकल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए, शरीर का इस्तेमाल करते हुए मन को स्वस्थ रखना है। अब दूसरा अभ्यास मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ, सांस के साथ तो दोनों में ही जुड़े रहना है, माइंड और बॉडी दोनों के बीच में ब्रेथ जो है वो लिंक और कड़ी का काम करे, तो दोनों स्थितियों में, दोनों कंडीशन में हमने ब्रेथ के साथ तो जुड़ना ही जुड़ना है। अगला अभ्यास जो हम करेंगे वो करेंगे हम हमिंग, मकार बोलते हैं उसे हम, हमिंग बी साउंड, उसकी अलग अलग पिच है, अलग अलग उसकी धारणाएं हैं, अलग अलग हमारा विश्वास है। तो मेरा इतना ही कहना है कि हमने किसी उसमें मेंटली उसमें नहीं फंसना है, हमने क्या करना है, जैसे बहुत सारी मक्खियां उड़ रही हैं, मक्खियों का छत्ता, बहुत सारी इकट्ठी मक्खियां उड़ रही हैं, तो हम क्या करते हैं, एक गूंज सुनते हैं मक्खियों की, और ये जो हम हमिंग करते हैं, मकार करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, आकार ओकार मकार, तीन है ना, मकार तीन कार है, बाहर वाली कार नहीं, ड्राइव करने वाली, आ और मकार वाली, तो ओम का ओम जो शब्द है वो 3 अक्षरों से बना, आ उ और म, तो हम मकार की बात करेंगे हमिंग साउंड की। ये हमिंग साउंड, ये ओंकार का उच्चारण, ये ओंकार की धुन, ये साइंटिफिकली प्रूव है, रिसर्च हो चुकी है इस पे कि हमारी ब्रेन वेव्स को बैलेंस करती है, पूरी बॉडी में एनर्जी इस तरह से ट्रांसफॉर्म करती है, एनर्जी चैनलाइज होती है, जितनी ब्लॉकेज है वो खुलती है। तो इसका अभ्यास हमने कैसे करना है, इसके मैं करेंगे मकार ही, मैं तीन तीन चार चार बार करके दिखा देता हूँ, और उसके बाद हर मकार के बाद थोड़ी देर साइलेंस में बैठेंगे। तो अभी हम बिल्कुल लो पिच पे करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे लो पिच पे इसका उच्चारण हमने करना है। श्वास गहरी भरेंगे भीतर, श्वास का रोल सब में रहेगा, श्वास का रोल सभी में बहुत अच्छे से।
विद नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ दूसरे प्रकार में, दूसरे प्रकरण में इस पिच को करेंगे मकार ही, थोड़ा सा हाई कर देंगे, हल्का सा। साइलेंस, ब्रेथ नॉर्मल नेचुरल। ये था इसका दूसरा अभ्यास। इसी को अगर हम जैसे सभी को करवाएंगे तो इस तरह से कईयों को मुश्किल लगेगा। तो तीसरा अभ्यास जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी हो, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव बच्चे भी हो या कोई भी हो, किसी भी एज का हो, उनके लिए बहुत लाभकारी है। तो मैं तीसरे में थोड़ी पिच को हमने और हाई जो उच्चारण है और गहरा और हाई कर देना है, गहरी श्वास भीतर।
है। और फिर सेकंड, ऑब्जर्व योर ब्रेथ, फील वाइब्रेशन इन द नेक, इन थ्रॉट, इन हेड, फोरहेड, नेक रीजन, चेस्ट। अपने शरीर में, मस्तिष्क में, गले में, कंधों में, सिर में ऊर्जा का आभास, कंपन का आभास। श्वास की गहराई एक बार अच्छे से, डीप इनहेल, दो डीप एक्सहेल एंड रिलैक्स। आंखें खोल सकते हैं। तो ये अभ्यास करने के बाद अगर हम निरंतर रेगुलर ये अभ्यास करें तो हमारे लिए बहुत लाभकारी है। जो किसी भी तरह का नशा करते हैं, ड्रग्स की एडिक्शन है, उनको तो लाभ होगा ही होगा। धीरे धीरे समय लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि इनके करने से अचानक से आप बाहर आ जाओगे, लेकिन समय लगेगा। रेगुलर निरंतर अभ्यास, जब तक कोई भी चीज उठा ले आप, चाहे डायनामिक मेडिटेशन उठा लें, ओशो गाइडेड मेडिटेशन है बहुत सारी वो उठा लें, चाहे बुद्ध की अनापानसति योग विपसना ध्यान उठा लें, ओम चैंटिंग, या बहुत सारी और विधियां। भैरव तंत्र में, विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां हैं मेडिटेशन की, और कहीं किसी की गाइडेंस के अंदर उस ध्यान का अभ्यास करें तो हमारी पूरी ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करने का, यानी उस एनर्जी को एक तरफ से दूसरी तरफ, यानी डिस्ट्रॉयर्स की तरफ से कंस्ट्रक्शन की तरफ, यानी कि मिटाने से बनाने की तरफ लगेगी। और अगर हमारा मन और शरीर संतुलित रहेगा तभी तो जीवन का आनंद आएगा। तो हम यही सभी सोच रखते हैं कि कोई हमारा दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, जिसके हम आसपास रहते हैं, वो तो नशे का आदि ना हो, कोई अपने जीवन को इस तरह से तकलीफ ना दे कि खुद को तो तकलीफ हो ही रही है, घर वालों को भी हो रही है। तो उसका और एक विशेष आग्रह, प्रेयर, या ये कह ले, सॉरी, रिक्वेस्ट मैं कहना चाहूंगा, करना चाहूंगा पेरेंट्स से, कि अपने बच्चों को प्लीज समय दें, टाइम दें, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं वर्किंग हैं, सुबह से शाम तक घर नहीं आ पाते हैं, बच्चों को टाइम भी नहीं दे पाते हैं। 24 घंटे, इस 24 घंटे, चलो मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, इस 207वीं हड्डी में कुछ समय ऐसा रखें कि इसे बंद करके, टोटल बंद करके, बिल्कुल भी साइड में रख के बच्चों के साथ समय बिताएं। तो बच्चे, ऐसा होगा ही नहीं कि अगर हमारी पेरेंट्स की बॉन्डिंग उनके साथ है तो बच्चा अगर किसी नशे में जाता भी है तो हमारे एक मोटिवेशन के साथ, एक सपोर्ट के साथ उससे बाहर आ जाता है। और योग और ध्यान तो ये हमारी हेल्प करेंगे ही, क्योंकि स्वयं से जोड़ने का कार्य है, और ध्यान भी और योग भी दोनों एक ही बात है। योग का मतलब ही यूनियन है, और ध्यान का मतलब ही भीतर जाने का प्रकरण, भीतर से यूनियन है। तो अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, और इन आदतों से वो दूर रहे, तो योग का अभ्यास करें। जहां कहीं ऐसे विचार मिले, जहां से हमें ऊर्जा मिले, सकारात्मक ऊर्जा मिले, जहां से हमें जीवन को एक बैलेंस स्टेट में जीने की शिक्षा मिले, वैसे विचार हमारे अंदर जाएं और उसका सानिध्य लें, उसकी संगत करें, और ऐसे ही जीवन को आनंदित रूप से जीते रहें। और एक बार फिर से मैं ऑल दी बेस्ट कहना चाहूंगा नशा मुक्त भारत कैंपेन को, चंडीगढ़ में जो शुरू किया है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने, और मुझे सौभाग्य मिला आपसे अपनी बात करने का, और मुझे इस काबिल समझा के इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। तो एक बार फिर से आपका डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद, और वैसे मैं डिपार्टमेंट का भाग ही हूँ, जब मर्जी मुझे बुला सकते हैं, आई विल बी देयर। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मित्रों को, और प्रणाम, थैंक यू।